भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन दोस्तों एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं जिससे किसान भाई उन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर अपने खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं। किसान भाई अपनी लागत को कम करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे आज विज्ञान किसान की, उसके बाद होगी बात कृषि स्टार्टअप की और अंत में हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की जिसका नाम है कृषि दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे पॉलीहाउस खेती के बारे में। दोस्तों पॉलीहाउस खेती एक ऐसी संरचना है जिसके जरिए आप साल भर किसी भी तरीके की फसल की खेती कर सकते हैं और अच्छी उपज भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी आय को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है पॉलीहाउस खेती। इसमें खर्चा कितना आता है और कैसे आप पॉलीहाउस खेती कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी फसल लगाकर इसमें आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और साल भर बेमौसमी सब्जियों की भी खेती आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं पॉलीहाउस खेती क्यों है खास और किस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम, दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे ना सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो दोस्तों आपने देखा विज्ञान और किसान में क्या कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाई गई और किस तरीके से पॉली हाउस खेती कर आप भी अतिरिक्त आय को बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृषि। आज के वीडियो में हम क्षमताशील फसलों की 11 प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे। ये फसलें जलवायु अनुकूलन और विशेष परिस्थितियों में उगाई जाती हैं। क्षमताशील फसलों में कुत्तू और चौलाई का महत्वपूर्ण स्थान है। कुत्तू की एक प्रमुख किस्म है
जबकि चौलाई की चार प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं। ये फसलें खास तौर पर शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और इनके बीज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इसके अलावा विंग्ड बीन, अड़जुकी बीन, पिल्ली पेसारा, कलिंगड़ा और पेरिला जैसी फसलें भी क्षमताशील फसलों की सूची में शामिल हैं। ये फसलें खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये था क्षमताशील फसलों की प्रमुख 11 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। तो बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। आप देख रहे हैं कि देश भर के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र, स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर कृषि क्षेत्र की जाए, कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग का हो, चाहे वो पशुपालन हो या फिर कृषि में खेती किसानी क्यों ना हो। ऐसे तमाम संभावनाएं हैं जिसके जरिए कृषि स्टार्टअप करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
कृषि स्टार्टअप में आज हम किस कृषि स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, आइए देखते हैं। राजपाल सिंह जगहेता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहां के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे, साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे। इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। दोस्तों, इसके साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे अपने तीसरे सेगमेंट यानी फार्मिंग इंडिया के बारे में। तब तक आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर क्रिश। आज हम शर्करा फसलों की चार प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे। ये फसलें चीनी उत्पादन के लिए उगाई जाती हैं और भारत की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शर्करा फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है गन्ना। गन्ने की चार प्रमुख किस्में हैं CO86032, CO0238, CO62175 और CO740। ये किस्में उच्च पैदावार देती हैं और चीनी उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं। गन्ने से गुड़, चीनी और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जो भारतीय मिठाइयों और पेय पदार्थों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, यह था शर्करा फसलों की प्रमुख चार किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से
एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में अब बात करते हैं एआई एंकर कृष का और सीधा जानते हैं कि कृष क्या कुछ खास जानकारी लेकर आज हम लोगों के सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में मौसम साफ रहने पर तैयार मटर की टुड़ाई करें और इसके बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहां इस समय फूल गोभी को कीटों के प्रकोप से बचाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा यहां मक्का के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के किसान मक्का और टमाटर के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहां टमाटर के पौधों को सहारा दें और तैयार टमाटर की समय से तुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में ही धान के खेतों में मेड़ों से खरपतवार साफ करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में दलहनी फसलों में निराई करें। इसके साथ ही यहां गुणवत्ता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर चाय की तुड़ाई करते रहें। यहीं ये मौसम मूली, शलजम, गाजर और पालक की बुआई या रोपाई के लिए उपयुक्त है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में धान, बाजरा, रागी और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। इसके साथ ही यहां इस समय खड़ी फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बाजरा, मक्का और रागी के अलावा दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें।
इसके साथ ही यहाँ इस समय बाजरा और अगेती मटर को सहारा दें। जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में धान के खेतों में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहाँ मक्का, दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में दलहनी फसलों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी चारा फसलों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ गांठ गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। यहीं इस समय सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ खास योजनाओं के बारे में। इन योजनाओं का लाभ कैसे आप लेकर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास योजना के बारे में। झारखंड भारत की वन संपदा से प्रबल राज्यों में से एक है। यहाँ के ग्रामीण नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इस काम में महिला किसान प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन अधिक पारिश्रमिक न मिल पाने के कारण ये महिलाएं जंगलों के मूल्यवान लघु वनोपज से पलायन करने लगे थे, जिसका मुख्य कारण कृषि प्रशिक्षण का अभाव था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव की महिला किसानों को लघु वनोपज से जोड़े रखने के लिए वन सखी योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु वनोपज जैसे इमली, मशरूम, लाख, कुकून इत्यादि के संग्रहण एवं बिक्री को आजीविका का प्रमुख जरिया बनाना है। वन सखी को लघु वनोपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खेती की वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनके कौशल में वृद्धि होती है और उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। झारखंड के चाईबासा में असन और अर्जुन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जिससे यहाँ कुकून की खेती पारंपरिक खेती में से एक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वन सखी की ट्रेनिंग में यहाँ की महिला किसानों को कुकून खेती के बुनियादी बीज उत्पादन, व्यावसायिक बीज उत्पादन, तितलियों की जांच, DFL टेस्टिंग, रोग मुक्त अंडे की पहचान, पेड़ों पर दवाइयों का छिड़काव, कोशा संग्रहण इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इन सभी जानकारी से ही अच्छे व गुणवत्तापूर्ण कुकून का निर्माण किया जा सकता है। दासमती इन्हीं वन सखी में से एक है। दासमती के ससुर भी कुकून की खेती करते थे, लेकिन अच्छे कुकून उत्पादन न करने के कारण उन्होंने इसकी खेती करना छोड़ दिया। दासमती ने परिवार की पारंपरिक खेती को सक्रिय रखने का फैसला किया। वन सखी की ट्रेनिंग से प्राप्त हुई जानकारी से दासमती ने सभी वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखकर कुकून की खेती की, जिससे उसने उच्च गुणवत्ता वाले कुकून का उत्पादन किया। दासमती ने कुकून बैंक में सरकारी मूल्यों पर अपने कुकून को बेचा, जिससे उसे 24,000 से 30,000 रुपए तक की कमाई आसानी से हो जाती है। जब मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करके आई तो हमारे पास में पैसा नहीं थी, तो मैं समूह से कुछ लोन लेकर इस बीज को खरीदी। इस लोन के सहारे से मैंने वहाँ से 5,000 रुपया ली थी, तो एक पैकेट लेने से 1,200 रुपया मेरा लगा, लेकिन मैंने कमाई वहाँ से 25,000 रुपया, तो उसको भी मैं समूह की पैसा चुका दी और कुछ उससे भी 20,000 पैसा मेरा बचत हो गया। तसर की खेतियों से मैं कुछ पैसा अच्छा तरह से कमा रही हूँ और हमारी बच्चों को भी मैं पढ़ा सक रही हूँ। वन सखी होने के नाते दासमती ने गांव की अन्य महिलाओं को अपने साथ सखी मंडल समूह से जोड़ा और उन्हें भी कुकून उत्पादन के सही और वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। दासमती के निरंतर सहयोग से चंदूकुई भी उच्च गुणवत्ता वाले कुकून का उत्पादन करने लगी, जिससे लंबा और बिना टूटा रेशम का धागा निकलता है। चंदूकुई अपनी साइकिल पर इन कुकून को कुकून बैंक को बेचती है। सरकारी मूल्यों पर बेचने पर उसे पहले से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। चंदूकुई ने अब अपने कच्चे घर को पक्का कर लिया है और हर तीज त्योहार पर अपने बच्चों के लिए वो नए कपड़े भी ले आती है। वन सखी चंदूकुई कुकून को बेचने के साथ साथ कुकून बैंक से जुड़कर DLF टेस्टर के तौर पर भी काम करती हैं। पहले जो हम लोग खेती करते थे, रोग हम लोग को पता नहीं चलता था,
अभी जो हम लोग टेस्टर करके हम लोग अपने से कर रहे हैं तो रोग देख के हमको पता चल रहा है कि ये अच्छा से गोल गोल दिखते हैं, वो वाला अच्छा डी फल है। जो छोटा छोटा चावल दाना जैसे दिखता है वो वाला, ये फेब्रिन वाला है। सभी उत्पादक समूह किसानों से प्राप्त कुकुन को कुकुन बैंक पर लेकर आते हैं, जहां पनमई दीगी इन कुकुन को हॉट एंड ड्राई मशीन में डालकर इनकी नमी को खत्म करती है, जिससे ये कुकुन सालों तक स्टोर किए जा सके। कुकुन ड्राई मशीन में सुखाने के बाद हम लोग धूप में सुखा देते हैं, धूप में सुखाने के बाद हम लोग उसको बोरा में पैक करके हम लोग फिर से उसको रैक वाइज में हम लोग रख देते हैं। कुकुन खेती से भी हम लोग को पैसा मिलता है और कुकुन बैंक में काम करने से भी हम लोग को पैसा मिलता है, और उसमें हम लोग का बदलाव बहुत ही अधिक आ गया है, और उससे हम लोग का परिवार भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। ग्रामीण मंत्रालय के वन सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भारत में लघु वन उपज की गुणवत्ता व बिक्री में वृद्धि हुई है। वनों के आसपास रहने वाली ग्रामीण महिला आज वन उत्पादों पर आश्रित हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बन रही हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आपने देखा अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए कृषि से जुड़ी हुई कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हमने पहुंचाई। इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से उचित इस्तेमाल करें और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेके आए। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाना आप चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan.dk@gmail.com। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप भी ले सकते हैं और आसपास के अपने किसान भाइयों को भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।